नमस्कार दोस्तों, डेविड वॉर्नर को मिली है आईपीएल टीम की कप्तानी। एक साल रहे थे उसी टीम से बैन। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप डेविड वॉर्नर को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के तूफानी सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। डेविड वॉर्नर को आईपीएल की एक टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। डेविड वॉर्नर को उसी टीम ने अपना कप्तान फिर से बनाया है जिसने साल 2018 के आईपीएल में उनको खेलने की इजाज़त नहीं दी थी। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद ने फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2020 के लिए डेविड वॉर्नर को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है। आईपीएल 2018 में डेविड वॉर्नर को सनराइजर्स हैदराबाद ने बैन कर दिया था क्योंकि उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टेम्परिंग के वजह से एक साल का बैन लगाया था। हालांकि आईपीएल 2019 में वो हैदराबाद की टीम के लिए आईपीएल खेले और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी पहले भी की है और टीम को खिताब भी जिताया है। साल 2016 में टीम की कप्तानी करते हुए डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को चैंपियन बनाया था, जबकि साल 2018 में SRH की टीम ने फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई थी। साल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल खेलने उतरी थी और उस दौरान टीम के कप्तान कुमार संगकारा थे। सैंड पेपर घेट यानी गेंद से छेड़छाड़ करने की दोषी पाए गए डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद साल 2018 और 19 के सत्र में केन विलियमसन ने टीम की कप्तानी की थी। हालांकि पिछले साल वॉर्नर आईपीएल खेले, लेकिन दो साल की कप्तानी के बैन के चलते उन कप्तानी करने का मौका नहीं मिला था। वही आईपीएल 2019 में टीम ने क्वालिफायर्स में जगह तो बनाई थी, लेकिन मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस से हारकर चौथे स्थान पर अपना सफर समाप्त करना पड़ा था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँ।